हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों, यू आर प्रो। तो फिलहाल मैं अभी खुद ही भूतनी ऐसी लग रही हूँ कि मैं सुबह उठ के आ गई हूँ। आज भी ऑफिस है, बहुत जगह छुट्टी है, पर अपन का ऑफिस है तो मुझे जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैंने कल एक अपनी थोड़ी सी रिदम बिठाई थी कि एक महीने बाद मैंने रिएक्शन किया था सिद्धू मूसेवाला और योयो हनी सिंह के सॉन्ग पे। जरा देख लेना जो भी फैंडम है, और बिना फैंडम के भी यार गाने बड़े प्यारे प्यारे हैं, बड़े अच्छे गाने हैं। आप लोगों ने सुनी ली होगी, मतलब मेरे साथ एक बार वाइब करने के लिए दोबारा से वीडियो पे जाके सुन लेना। अभी पब्लिक भी नहीं करी है मैंने, शायद इसको डालूंगी फिर वो भी पब्लिक करूंगी। खैर हाँ, कहाँ से सुन लेना फिर जब तक मैंने प्राइवेट कर रखी है। तो छोड़िए इन बातों को, मैं बिल्कुल सोई हुई से उठ के आई हूँ, ठीक है ना। शक्ल पे ये सब दिखते हैं। अब हाल फिलहाल आईफोन ले लिया है, ये भी थोड़ा शो ऑफ करना है। इसके बाद आ जाते हैं YouTube की ट्रेंडिंग लिस्ट पे। आज मैंने कान में ये भी डाल दिए हैं क्योंकि कल मैंने बिना इनके सुना था। देख रहे हो, जब मेरे को वीडियो बनाने का मन करता है ना तो मैं क्या कहते हैं उसे, मुसीबत में भी रास्ता खोज लेती हूँ। लेकिन जब मेरा मन नहीं करता है तो मैं पड़े रहती हूँ, लेटे रहती हूँ, खाती रहती हूँ, पीती रहती हूँ। बस पीती नहीं हूँ, खाती रहती हूँ। आज एक मुझे ऐसा याद आ रहा है कि एनिमल का एनिमल है शायद, क्या है, मैंने टीजर देखा था कि ट्रेलर देखा था, मैंने कुछ तो देखा ही था। एनिमल का ऑफिशियल ट्रेलर आ रखा है, रणबीर कपूर है, रश्मिका मंदाना। हाँ मैंने देखा था, टीजर आया था या तो शायद, क्योंकि मैंने उस पर रिएक्ट करा है कि नहीं करा याद नहीं आ रहा, पर करा था कुछ, क्योंकि एनिमल पढ़ते ही नाम याद आ रहा है। फिलहाल छोड़ देते हैं पुरानी पुरानी बातों को और आ जाते हैं यार देखने के लिए ट्रेलर में क्या ही धमाल किया। क्योंकि बॉबी देओल मुझे ऐसा याद है कि मैंने उनका देखा था, जरा सा लुक देखा था हल्का सा, और देखा था तो मतलब वो ही टीजर ही था। ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, आ जाते हैं ट्रेलर देखने के लिए, कैसा क्या घुमाया है इस वाली मूवी में। और आप बेटा, आपको याद है फिफ्थ स्टैंडर्ड में था और माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट हो रहा था बॉम्बे में। यू न्यू व्हाट अ बिग फैन आई वाज ऑफ माइकल जैक्सन। मेरे सारे दोस्त जा रहे थे पर मैं नहीं गया क्योंकि आपका बर्थडे था। उसी दिन को रिप्ले करते, कुछ नहीं करना आपको, आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। ओके, शिद्दत से करना पापा, मेरा एक ही मौका है। ओके, एक्शन पापा। पापा पापा पापा, सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। एक तारीफ कर देती हूँ बीच में, ठीक है, वैसे ही भूल जाती हूँ वरना करना। क्या ही लुक लग रहा है यार रणवीर कपूर का, वो बड़े बाल वाला और जितना प्यारा लुक, और शुरू में वो अनिल कपूर का पापा वाला बोलना और उनका रिप्लाई देना, भाई साहब बड़ी अनोखी सी वाइब, मतलब बड़ी खतरनाक सी वाइब, भाई गुंडे वाली वाइब, मतलब क्या कहते हैं उसे, नेगेटिव रोल का पूरा इम्पैक्ट पड़ना जो होता है ना, वो वाली वाइब। दिन में 10 मिनट भी नहीं दे सकते अपने बेटे को। हफकट माँ है, पापा को छोटे बाल वाला हेयरस्टाइल पसंद है ना। आई शेखर, पर तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो। आई ग्रोड अगेन पापा। जब तू वापस आया तो मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। जंग मर क्या है वो? टाइम बताएगा। मेरे पापा के लिए मेरा प्यार फेल है, पास है, या दुनिया में सबसे फर्स्ट है। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। के लिए प्यार चोक नहीं रोग है। I really wish he died that day. मैं वापस आ गया दादाजी, कहीं नहीं जाऊंगा। जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। करने से पहले मुझसे पूछा होता, अब से 100 चीजें करूंगा पापा, हर बार आपकी परमिशन नहीं दे सकता। मैं गो से लड़ता नहीं, उन्हें खा जाता हूं। आज के बाद एक खरोच भी आई है, दुनिया चला दूंगा पापा। बॉबी वो सब कुछ ही मिटा देंगे,
दुनिया जला देंगे। अच्छा अभी है सीन। यार बड़ा ही क्या कहूँ, अनोखा सा ट्रेलर। मतलब एक तो मेरे को वो मूवी की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी वो लगी कि पापा का प्यार वो दिखाना चाह रहा है लड़का, और पापा को समझ में नहीं आता है कि बेटा, मतलब पापा इतना नहीं करते प्यार व्यार, है ना। पापा का नहीं समझ में आ रहा है कि वो उसको उनका प्यार जस्टिफाई करते हैं नहीं करते हैं, मतलब मानते हैं नहीं मानते कि उनका लड़का इतना प्यार करता नहीं करता है। और वो पापा के लिए लड़ रहे हैं पागलों की तरह कि मतलब पापा कुछ नहीं आना चाहिए, खरोच नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। वो चीज़ भी ठीक है, बट पागलपन जो उनका डायलॉग आया, रश्मिका का डायलॉग आया कि तुम बिल्कुल सड़ चढ़ गया, रोग है ये, प्यार नहीं है। तो मतलब मूवी लाइन तो थोड़ी सी अनोखी है, मतलब है कुछ अलग टाइप की, ऐसी नहीं है नॉर्मल प्यार व्यार और नॉर्मल लड़ाई वड़ाई ऐसी, मतलब कुछ वो वाला पापा वाला, मतलब फैमिली वाला प्यार और उसके लिए क्या कर सकता है इंसान, वो वाली बात आई है। लेकिन लुक्स इतने तगड़े तगड़े लग रहे हैं, मुझे लग रहा है रणवीर कपूर की एक्टिंग तो देखो है खतरनाक। ये जो नेपोटिज्म कहते हैं, पता है वो दिख जाता है कि इन एक्टर्स में है कि एक्टर्स में नहीं है। तो ये वर्ड मेरे को भी कभी कभी लगता है कि हाँ अपॉर्चुनिटी आराम से मिल सकती है, पर नेपोटिज्म आप तभी कह सकते हो जब फालतू में मूवीज मिल रही हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। लोग पसंद करते ही नहीं है, जब तक आपकी एक्टिंग अच्छी होती नहीं है लोग पसंद करते नहीं है। आलिया भट्ट बहुत अच्छी एक्टर है, ठीक है ना, रणवीर कपूर एक्टर अच्छे हैं, तो इनके ऊपर ऐसे हम कह नहीं सकते कि नेपोटिज्म का वो मिला है। हाँ ठीक है, ज़रूरी है कि एडवांटेज होता है, वो तो मिलेगा ही जब इंडस्ट्री में कोई चीज़ होती है। ऐसे तो हमारे भी पापा लोग कहीं होते हैं तो हमारे भी जुगाड़ लगाने की सोचते हैं, मिलता नहीं है जुगाड़ होता अलग है, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है। पर काम से ही बंदा पहचाना जाता है, तो काम तो दोनों का लगातार एक नंबर बढ़िया है। मुझे एक्टिंग बहुत खतरनाक लगती है, और जो इसमें भी दिख रही है कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि बकवास एक्टिंग हो रही है, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं। अनिल कपूर को तो कुछ आप कह ही नहीं सकते, वो तो पता नहीं एक अटक गए एज पे। बट बॉबी देओल को देख के, वैसे तो मुझे रणवीर कपूर को देख के अच्छा लगा, बॉबी देओल को देख के ना ऐसा हो जाता है अरे यार, क्योंकि उनकी भी मूवीज़ देखी है मैंने, कम देखी मूवीज़, पर एक होता ना बचपन में रिश्ता थोड़ा जुड़ा होता है किसी इंसान, तो उसको दोबारा देख लो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसी बॉबी देओल को देख के भी जब भी उनकी एक चेहरा आ जाता है ना, एक्टिंग बहुत कमाल की, वो धुआं वाला लास्ट में वो, और जो रेड खून के साथ पूरा आए थे और एकदम से रोने लगे थे, मज़ा आ गया था, मतलब वो शॉट भी गजब का था। तो मेरी तरफ से ट्रेलर को हाँ हो गई है, मज़ा आ गया है देख के। मैं देखो सुबह सुबह उठ के अपनी आँखें लोग करागरे बस्ते करके कर खोलते हैं, मतलब ये भगवान जी का नाम लेके, हमने थोड़ा सा एनिमल का नाम लेके खोला है, कोई नहीं सब भगवान के बनाए हुए, ठीक है। तो चलो अगर आप लोगों को कोई भी मेरे साथ ट्रेलर देखने में मज़ा आया हो, कुछ भी अच्छा लगता हो, कुछ बकवास लगता हो तो कमेंट करके बता देना, कुछ गंदा अच्छा लगता हो तो भी कमेंट करके बता देना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा। बहुत हंस गई।